पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया है। कसास या फिर दी देती। हाय अल्लाह साई, खून के बदले खून, मेरा बच्चा मुराद। कसास नहीं देंगे तो दिए हम कैसे वडेरा साई की जान की कीमत देंगे? कुछ भी हो जाए कसास नहीं दूंगा। मुराद मेरी जिंदगी भर की जमाशुदा पूंजी है, इतनी आसानी से तो मैं उसको खोने नहीं दूंगा। तो दीयत कैसे चुकाओगे अमीर अली? हमारी जमीनों पर तो उन्हीं का कब्जा है और सारा फसाद भी वहीं से शुरू हुआ है। दीयत में लोगों ने खून की कीमत नहीं मांगी है। तो क्या मांगा है अमीर अली, बोल ना, फट जाएगा दिल मेरा। हमारे बख्तावर को मांगा है। अम्मा आ गई। बख्तावर तू क्यों आ गई? नहीं नहीं तू जा यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं हाकिम से कहती हूँ कि तुझे यहाँ से लेके जाए। अम्मा हुआ क्या है? तू जा बस यहाँ से ना, तेरे अब्बा ने ना वो... सकीना बख्तावर, तेरी स्कूल की लड़कियां तुझे तंग तो नहीं करती हैं कि तू उम्र में बड़ी लगती है? नहीं अम्मा, मैंने उन सारों को ना बता दिया था कि मेरा दाखला ना बहुत देर से हुआ है। और तुझे पता है वहाँ सब क्या कहते हैं, पढ़ाई करने की और तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। और हाँ, तुझे पता है हाकिम मामू और जरीन मामी मुझसे इतना प्यार करते हैं, तुझे मैं क्या बताऊं? सारा दिन बस बेटी 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 करके बुलाते हैं। ये देख, तेरे लिए ना उन्होंने सूट भी भेजा है। और ये देख मेरा पसंदीदा कलर, मुझे भी दिला के दिया उन्होंने सूट। पता है मैं सोच रही हूँ कि ये जो सूट मुझे मामू ने लेके दिया है ना, ये सलोनी की शादी पे पहनूं। लेकिन अम्मा तुझे नहीं लगता 16 साल बहुत कम उम्र है शादी की? मैं तो कभी भी नहीं करती इतनी जल्दी शादी। मैंने तो सोचा है कि पहले भा की शादी कराऊंगी, उनकी दुल्हन लेकर आऊंगी, फिर कुछ सोचूंगी अपने बारे। वैसे भा किधर गया है अम्मा, नजर ही नहीं आ रहा, शिकार पे गया है क्या? बस कर जा बख्तावर, बस। बख्तावर, काश तू वाकई हाकिम और जरीना की बेटी होती, या फिर मैंने तुझे सलोनी की तरह 17 साल में ही इज्जत से ब्याह दिया होता, तो आज ये दिन तेरी जिंदगी में ना आता। अल्लाह साईं रहम कर मेरी बच्ची पर। एक गाल कान खोले पुत, अपने बाप को बोल पंचायत के फैसले पे जल्द से जल्द अमल कर ले, नहीं तो शेर अफगन खुद उस फैसले पे मोहर लगा देगा और फिर तेरा बाप पूरी बरादरी में मुझ पता मिलेगा। Thank you.
पंचायत ने अब्बा को क्या करने को कहा है? और शेर अफगर ने मुझे धमकी क्यों दी है? उस वक्त तो डर लग रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह राह में रोकने की? तू देखना, बाहर अब्बा आएंगे ना, मुझसे शिकायत लगाऊंगी उनकी। नहीं आएगा तेरा भा, और ना ही कोई तेरी शिकायत सुनने के लिए आएगा। सुना तूने? क्यों नहीं आएगा? हाँ क्या हुआ है ऐसा मेरी गैर मौजूदगी में? वही हमारी जमीनों पर बढ़ेर का नजायज कब्जा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथा पाई तक आ गई। मुराद ने बढ़ेरा शेर दिल को मार डाला और फरार हो गया। नहीं, मैं ये नहीं मानती। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। माँ उसने कभी किसी चूंटी को नहीं मारा, कैसे किसी का कत्ल करेगा वो? मुझे ये बटेरों की कोई चाल लगती है। यही तो मैं सोच रही कि मुराद ने ऐसा किया तो क्यों किया? हाय, मुराद कैसे भूल गया कि पीछे तावान भी देना पड़ेगा, वो कौन देगा? नहीं माँ, तू मत रो, मत रो, तू चुप हो जा। तुझे पता है अल्लाह ना हक पे चलने वालों का साथ देता है, हमारा भी देगा, हमारा हक नहीं छीनेगा वो, नहीं छीनेगा। समझ से बाहर है मेरी। मजाक के कोई 2 करोड़ रुपया कहां से लेके आएंगे? 2 करोड़ कहां से? 2 करोड़ रुपया बढ़ेरे को देंगे? अरे पूरी जिंदगी भी लगा दे, कुछ भी कर ले, इतना पैसा मर के भी नहीं जमा कर सकते। पता नहीं हमारे मुराद ने उसके भाई शेरदिल को मारा भी है या नहीं। मुझे तो लगता है अमीर अली कहीं उसके भाई शेर अफगर ने कोई कहानी तो नहीं बना ली। चल दरोगा के पास चलते हैं, उसको बोलते हैं कि थोड़ी छानबीन तो करें। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा? अगर हम लोग पंचायत के फैसले के खिलाफ गए तो पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा। पुलिस के पास जाने से पहले मारे जाएंगे हम लोग। अमीर अली, मेरी बच्ची अभी कमसिन है, हाय उसने दुनिया में अभी देखा ही क्या है। माँ बाप की चौखट हमेशा के लिए छूट जाती है अमीर अली। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ना ये जुल्म नहीं कर सकती। तो क्या करूं सकीना? क्या अपने मुराद को कसास की आग में झोंक दूं, अपने बेटे को कुर्बान करना चाहती है तू? बड़े शेर अफगन के कुत्ते मेरे मुराद की बू को सुनते फिर रहे। बेटियों का क्या है? ये तो बेटी होती है जिंदगी भर माँ बाप की चौखट में बैठी रहती है, और फिर एक दिन किसी अगले घर में चली जाती है। तो बेटियों को चाहिए भी क्या होता है? बस 4 दीवारी, मानी टुक करे खाने को, वो तो भी ले जाएगा उसको, जो उसकी नसीब में मिल जाएगा बस। अब बख्तावर को मैं
दिए तो नहीं देना ही होगा। अब्बा 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 तुझे खुदा का वास्ता ऐसा मत कर अब्बा, तुझे खुदा का वास्ता अब्बा उसमें ये सब मत कर अब्बा, मैं मर जाऊंगी अब्बा और तेरे बगैर अब्बा मैं मर जाऊंगी, मेरे सारे सपने तबाह हो जाएंगे अब्बा, मैं मर जाऊंगी अब्बा, नहीं उसमें सारी जिंदगी सोल करेंगे अब्बा, मेरे सारे ख्वाब मर जाएंगे अब्बा, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मुझे पढ़ना है अब्बा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी। तू समझती क्यों नहीं है, समझती क्यों नहीं है, इधर बस काश मेरे पास होता मैं तुझे लेके सकीना को लेके प्रयाग को लेके कब का ये गांव छोड़ के जा चुका होता, कर सकता मैं बरादरी से पूरा रिश्ता तोड़ देता जिंदगी भर के लिए, पहरे लगे हैं चारों तरफ, समझती क्यों नहीं तो बात को। अब्बा अब्बा सारी जिंदगी मुझे तुझसे मिलने नहीं देंगे, तेरे बेटे का बदला लेंगे, सारी जिंदगी समझने की कोशिश कर अब्बा, अब्बा खुदा का वास्ता है तुझे, तुझे अल्लाह का वास्ता है अब्बा, तुझे अल्लाह का वास्ता है। सुन इधर देख, अगर मैं तुझे उसके हवाले नहीं करूंगा, खून बहा में उसके हवाले अगर मैंने नहीं किया तो वो तुझे वैसे ही उठा के ले जाएगा, लेकिन भिड़ने की तरह समझी, ये चाहती है तू, और कभी बात देगा समझी, रुका हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ पंचायत के फैसले की वजह से रुका हुआ है, बात नहीं है ये, और बख्तार जरा से भी तेरे की इस घर में सिर्फ बहन होगी, मौत पे नाच की मौत चल बख्तावर, इमाम इमाम साहब आ गए, निकाह को देरी हो रही है। इस्लामियात के टीचर ने बताया था मुझे, शादी ना फरीजा होता है, सुन्नत रसूल, और ये भी बताया था कि दूल्हा दुल्हन की मर्जी से होती है उनकी शादी, तो मेरी शादी का फैसला फिर पंचायत की मर्जी से क्यों हो रहा है अम्मा? बख्तावर, तेरे माँ बाप बड़े मजबूर हैं, बगावत नहीं कर सकते, मैं तो भूल ही गई, आज तो सलोनी की भी शादी है ना, ये सहेलियां आई होंगी सारी मेरे उसके घर पे, शादियां ने बज रहे होंगे, और वो ज्यादा गुड़ वाले और मेवे वाला जर्दा भी बनाया होगा ना उन्होंने, जब वो घर जाएगी अपने, उसकी सास ससुर सब पीछे पीछे घूमेंगे। बस बस कर जा बख्तावर, मैंने मैंने बड़ी मुश्किलों से संभाला है अपने आप को। नहीं अम्मा, आज तो बोलने दे मुझे, तुझे ना दोबारा अब इस घर में मेरी हंसी की गूंज नहीं सुनाई देगी, दोबारा मेरी कभी कोई बात भी नहीं सुनाई देगी, तू पुकारेगी भी ना तो ये बख्तावर जवाब नहीं देगी, तुझे पता है ना ये शादी नहीं है, जनाजा है मेरा, ना मेरा बच्चा ना, अम्मा अम्मा मेरी बात सुनना, अम्मा मुझे बचा ले, मुझे मुझे उस
घर की कब्र से डर लग रहा है अम्मा। अम्मा मुझे बचा ले, मुझे मुझे उस बटेरे की कब्र में नहीं उतरना। अम्मा मुझे नहीं उतरना, अम्मा मुझे बचा ले, अम्मा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले अम्मा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ दिन चढ़े तक सोती रहो। याद रखो, तुम्हारे भाई ने मेरे शेर जैसे बेटे को मारा है, कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें दुल्हन बनाकर तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए लाए हैं। अपनी औकात कभी मत भूलना। आओ लग जाओ काम से। मुराद के अब्बा, मुराद का कुछ पता चला? आओ, मुराद ने दावर के हाथ खत भेजा है, साथ में अपनी खरीद भी बताई है। ये बिल्कुल ठीक है, बदे में अपने ठिकाने का पता भी भेजा है और साथ में यह पैगाम दिया है कि जब भी घर छोड़ना शाम के बाद छोड़ना, दिन की रोशनी में घर नहीं छोड़ना, क्योंकि शेरफगंज जो है नियत का खोटा है। क्या बता के खून बहा के बाद भी कोई वो ओछावार कर जाए। और बख्तावर, बख्तावर का क्या? हाँ, हम यहां से चले गए तो कोई खैर खबर भी नहीं मिलेगी बख्तावर की। पागल हो गई है, चरी हो गई है। बख्तावर, 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 बख्तावर। अरे अगर बख्तावर का ब्याह उनसे हो गया तो उसका क्या मतलब है? हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी हो गई है? अरे कत्ल के बदले में गई है बख्तावर उनके पास। जितना हमारा उसका ताल्लुक था बस था, अब खत्म हो गया ताल्लुक हमारा बख्तावर से। हाय, हाय मेरी बदनसीब बच्ची बख्तावर। बस करते, बस करते, बस करते। कैसे बस कर दूं अमीर अली? माओ जन्म दिया है उसको, हथेली का छाला बना के पाला है। नहीं सोचा था मेरी बच्ची दूसरों के जुर्म की भेंट चढ़ेगी। शुक्र कर कि अपने मुराद पर कोई आंच नहीं आई है, वरना इस बुढ़ापे में जवान औलाद से हाथ धोने पड़ते। ना शुक्री औरत। अरे बेटी तो वैसी बड़ा धन होती है। चल जा, जाके सामान समेट, यहां से निकलेंगे कहीं और जाके बसेंगे ना तो तेरा दिमाग भी ठिकाने आएगा। जरा तेज तेज हाथ चलाओ, ये तुम्हारे बाप का बालिश भर का घर नहीं है, बड़े हयात की हवेली है। अगर रिंग रिंग कर यूं झाड़ू चलाओगी तो दिन तो तमाम हो जाएगा। और हां कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे को मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं है, इसीलिए एक एक कपड़ा अलग अलग करके धोना। अगर एक साथ भिगो दिए तो रंग निकल जाएगा, और अगर रंग खराब हुआ तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या असर करेगा। हर बात गृह से बांध लो, मुझे हजार दफा दोहरानी ना पड़े, समझी तुम? अब लगो अपने काम से, जल्दी जल्दी।
घटिया औरत, मक्कार, मेरी गैर मौजूदगी में तो किसको फोन मिला रही है, किसको बुला रही है? मामा को कॉल कर रही थी। झूठ बोलती है तू। मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को मिलने के लिए बुला रही थी। मेरी बात कान खोल के सुन, तू कत्ल के बदले हुए आई हुई औरत है, और जो औरत कत्ल के बदले आए उसका ना कोई मेका होता है, ना कोई माँ होती है, और ना कोई बाप होता है। अगर आज के बाद फोन को हाथ लगाया ना, तो तेरे हाथ काम करने काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। अम्मा कहाँ है तू? एक बार भी मिलने नहीं आई मुझसे। इससे तो अच्छा था तू और अब्बा मुझे पैदा होते ही दफन कर देते। मेरा शेर, मेरा जवान बेटा, तुम्हें देख देख कर तो मेरी आंखें ठंडी रहती थी। आज 2 साल हो गए तुमसे बिछड़े हुए। मेरी ममता को आज तक करार ना आया बेटा। जी जी, वो न्यास का सारा इंतजाम हो गया है। मौलवी साहब बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असर का वक्त निकल गया तो फिर फातिहा नहीं हो पाएगी और फिर कब्रिस्तान भी नहीं जा पाएंगे। अब तू मुझे सिखाएगी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है? तुझे इस घर में चलता फिरता देखती हूँ ना तो मेरा फोन खोलता है। तुम्हारे भाई ने अगर मेरे बेटे से नफरत नहीं निकाली होती तो आज वो इस घर में अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता। चल दबा हो जाए यहां से, गुम करो शक्ल अपनी। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो। आज मैं तुम्हारी चाचा की तरफ गई थी। क्या वो खैर तो है? खैर है, बस वो तुम्हारी और शाबानू की शादी पर इसरार कर रहे थे। जिसकी मंग थी वो तो चला गया इस दुनिया से। जाहिर है बेचारी कब तक अपनी माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहेगी। आखिर को तुम्हारे साथ उसकी शादी होनी है। जो भी है, शाबानू हमारे खानदान की अमानत है, और हम अपनी इज्जत किसी और के हाथ में देते ये इस हवेली की शान के खिलाफ है। चाचा से कह थोड़ा वक्त दे, अभी इलेक्शन सर पे खड़ा है। शेर दिल की मौत की वजह से जो लोगों की हमदर्दी है ना हमारी पार्टी के साथ, ये नहीं चाहता ये जज्बात लोगों के बदल जाए इतनी जल्दी। थोड़ा वक्त मांगे चाचा से। ठीक है, बात कर लूंगी उनसे, इंतजार करने को कहूंगी उनसे। मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हूँ रखी के साथ। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, किसी काम की नहीं है, सारा दिन बस अपनी बच्ची में लगी रहती है। मनहूस कहेंगे। प्यारी अम्मा, तुझे क्या पता, मुराद का तो नाम बदनाम है। भला मेरे होते हुए शेर दिल क्यों सारी जमीन जायदाद का वाली वारिस हो? उसे तो हटाना ही था। अब बाबा की जायदाद हो या चाचा की जमीन है, सबका मालिक सिर्फ मैं हूं। बख्तावर, ये कमीज तूने आंखें बंद करके इस्त्री की है तो तेल का दाग नजर नहीं आया है। इसको दोबारा दो कि इस्त्री कर लाओ। यकीनन तू सिगरेट का दाग नहीं भूली होगी, और अगर भूल गई है तो इस्त्री से भी एक दाग लगा देता हूं। मैं
रखी को। रखी रखी क्या लगा रखी है तूने? क्यों बुलाती है रखी को बार बार? आमना तंग करती है कभी कभी तो बहलाने के लिए बस। रखी अम्मा की नौकरानी है, वो सिर्फ अम्मा के काम करेगी, तेरी कोई नौकरानी नहीं है वो। कहीं तू आमना की माँ बन के ये तो नहीं समझ रही कि तू इस हवेली की मालकिन बन गई है? खून बहा में तुझे लेकर आया हूं, ये तेरी औकात थी, यही तेरी औकात रहेगी। ठीक करके ला इसको। बख्तावर, ओ बख्तावर, खुदा जाने किसने इसका नाम बख्तावर रख दिया है, जब से आई है घर में नौ सती टपक रही है। बख्तावर! जी 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 अम्मा। कितनी दफा बोला है? अम्मा मत बोला करो। जी 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 जी। कहाँ थी तुम? वो किचन। ठीक है ठीक है, मेरे बेटे ने खाना आज जमीनों पर मंगवाया है। लेकिन खाना देने कौन जाएगा जी जी? फरीद को आपने मकानों का किराया लेने भेजा है और रखी भी अपने घर वालों से मिलने गई है। हाँ, इतने सवाल जवाब आ गए हैं तुम्हें, तुम जाओगी और कौन जाएगा? जी जी, लेकिन वो आमना अकेली रह जाए। आमना के बहाने हर काम से जान छुड़ाने लगी हो, है ना? अपने बेटे से शिकायत की ना तुम्हारी, तो उसकी जबान के साथ उसके हाथ भी चलेंगे। जाओ जाके खाने का बंदोबस्त करो। मैं सब इंस्पेक्टर साजिद हुसैन, मुझे एसपी साहब ने भेजा है। मगर क्यों? यहाँ के सारे फैसले तो पंचायत करती है। नहीं जानता हूँ, मगर ये बात पंचायत तक महदूद नहीं रही। वडेर आश्रम के वर्सा ने साईं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? वडेर आश्रम की कत्ल की रिपोर्ट। साईं की जमीनों पर कत्ल हुआ है, वहाँ तीन लोगों की मौजूदगी की शवाहद मिले हैं, मगर ना कोई आला कत्ल मिला है और ना ही कोई कत्ल का सुराग। साईं को बुलाइए, मुझे मामले की जांच पड़ताल करनी है। और ये केस इलाके थाने से मुंतकिल होकर एसपी साहब के अंडर में चला गया। वो कराची गए हुए हैं। आप गलत बयानी से काम ले रही है, बुलाइए ने। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो घर की तलाशी ले लीजिए। ठीक है, हम फिर आएंगे, चलो। बख्तावर, बख्तावर, बख्तावर! जी जी। क्या हुआ था जमीनों पर, क्या हुआ था? वडेरा साईं की और एक आदमी की आपस में लड़ाई हो गई थी जी जी। वडेरा साईं को गुस्सा आ गया तो उन्होंने पिस्तल निकाली और उसके सर पे तान दी, फिर तो फायर भी कर दिए। 5 मिनट बाद वहां फरीद पहुंचा और वडेरा साईं ने मुझसे चुप रहने को कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। वो लाश कहाँ गई मैं नहीं जानती। मेरे साई के जाने के बाद मेरे दोनों बेटे कुल जमा पूंजी थे मेरी। ये पहली दफा हो रहा है कि वडेरों के फैसले पंचायत से निकलकर कोर्ट कचहरी तक जा रहे हैं। एक बेटा मैं खो चुकी हूं, दूसरा हरगिज नहीं खोऊंगी। Thank you.
भाग गया। अम्मा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ रह गए थे, कहाँ रह गए थे, इतनी परेशान मैं सद गए, कहाँ रह गए थे? और ये क्या हो रहा है, पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंच गई ये तुम्हारी तलाश में? जानता हूँ, फरीद मुझे सब कुछ बता चुका है। पुलिस वालों को क्या करना है, सिर्फ हाशिम के वर्सा को दिखाने के उन्होंने मुजरिम पकड़ लिया है। खाना पूरी कर रहे हाशिम, हाशिम मेरी जमीन पे स्कूल बनाना चाहता है, मेरी सीट पे कब्जा करना चाहता है, मेरी सीट जीतना चाहता है भारी अक्सरियत से। उस जमीन पे जिस पे मुराद अली भी अपनी मिल्कियत नहीं जता सका। तुम्हें ये हिमाकत करने की क्या जरूरत थी, किसी को भी कहकर ठिकाने लगा सकते थे उसे। अब ये कोर्ट कचहरी ये सब मामला कैसे ठंडा होगा? पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है माँ, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वक्त आने पर मैं भी बताऊंगा मेरे पास कौन सा हुक्म का एक है। कौन? ये झूठा इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगी। तुम्हारे तो फरिश्ते भी कबूल करेंगे। पुलिस के सामने तुमको एक बार जुर्म करना है कि हाशिम जमीनों पे उस दिन तुम्हें बेइज्जत करना चाहता था, तुम्हें रुसवा करके मुझसे अपनी नफरत का बदला लेना चाहता था। मैं वह मौके पे पहुंच गया, उसको मारना चाहता था तो तुमने मेरे हाथ से बंदूक छीनी और उसके सीने में गोलियां उतार दी। ये तुम्हें पुलिस के सामने इस बात का एक बार जुर्म करना पड़ेगा। खौफ कर बटेरा सही, इतना जुल्म ना कर मुझ पर। जुल्म ना कर? तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को कत्ल किया था, तुम क्या चाहती हो दूसरे बेटे को भी कुर्बान कर दूं? हरगिज नहीं। इसका इल्जाम तुम अपने सर पे लोगी और जाओगी जेल। अरे क्यों नहीं, शौहर है तुम्हारा, बचा लो इससे, चली जाओ जेल। तो क्या हर बार मर्द के गुनाह की कुर्बानी औरत ही देगी? आपका तो अपना बेटा है, मेरी बच्ची अभी छोटी है, मैं जेल चली गई, वहां मुझे फांसी होगी तो मेरी बच्ची कैसे जिंदा रहेगी? मैं अपनी आर में से कुर्बान नहीं करूंगी। तो फिर मैं इसको मार दूंगा। बच्ची के बगैर अब बोलो, बचाओगी अपनी बेटी को या नहीं? जाओगी ना जेल? इकबाल जुर्म कर अगर कोई भी आगे एक कदम बढ़ाएगा तो ये गोली मैं चला दूंगी। दिमाग खराब हो गया? इसका मुंह उतार कर। अरे पागल हो गई हो क्या? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हम ही पर गोलियां चलाएगी। चलाने के लिए हाथ में उठाई है, अगर तुम दोनों में से किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाए तो ये गोली मैं चला दूंगी। मेरी माँ ने मुझे नहीं बचाया, लेकिन मैं अपनी बच्ची पर आज भी नहीं आने दूंगी। अब तक मैं सिर्फ ये समझती रही कि ये आमना के बाप का घर है, लेकिन अगर जिसका बाप तेरे जैसा होना, उस बच्ची का यतीम होना ही बेहतर है। मेरी बेटी बख्तावर नहीं है, इसे मैं किसी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। नहीं वडेरा साई, जुर्म तेरा था, कत्ल तूने किया है तो सजा भी तू ही भुगतेगा। अब औरत मर्द के गुनाह नहीं सहेगी, अल्लाह इंसाफ करेगा।
इस बार जरूर करेगा। उसकी लाठी में आवाज। और अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं पहले तुम दोनों को मारूंगी और फिर खुद को गोली मार दूंगी। मुजरिम शेर अफगन ने जाती दुश्मनी की बिना पर बडेरा हाशिम को कत्ल किया है। आला कत्ल पर मुजरिम की उंगलियों के निशान हैं और मोहतरमा बख्तावर चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए अदालत ने ताजीरात पाकिस्तान के तहत बडेरे हाशिम के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए सजाए मौत दी थी।